मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया, उसकी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स पॉलीनोमियल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होगी, कितनी प्रॉपर्टी होगी मैं बताया आपको, और कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी मैं बताया। मैं होमवर्क में भी दिया हूँ जिसे आपको बनाना है, कोई डिफिकल्टी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर से आपको पूछना है। आज स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स पॉलीनोमियल। दिस पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स पॉलीनोमियल दिस टू वेयर लेफ्ट, ये बचे हुए थे, इसको मैं बताने जा रहा हूं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। उसी तरह से ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, ए फोर को हम लिख सकते हैं ए क्यूब इंटू ए। इन दिस वे, इस तरह से हम लोग ए टू दी पावर एन ए पावर एन माइनस वन इंटू ए हम लिख सकते हैं। हेयर जहां वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए ही पॉसिबल। ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे लिख सकते हो, ए फोर को लिख सकते हो, एन को लिख सकते हो। ये हो गया पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा आता है मैट्रिक्स पॉलीनोमियल। मैट्रिक्स पॉलीनोमियल क्या है इसको आपको जानना है। मैट्रिक्स पॉलीनोमियल नंबर है और ए
मैट्रिक्स स्क्वायर है ऑर्डर एन का, तो मैट्रिक्स पॉलीनोमियल ऑन मैट्रिक्स ए एफ इज इक्वल टू ए जीरो इनटू यूनिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ए वन ए ए टू ए स्क्वायर ए थ्री ए क्यू ए फोर ए फोर प्लस ए एन ए पावर एन। दिस इज द मैट्रिक्स, यही एक मैट्रिक्स पॉलीनोमियल है ऑन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। एक जनरलाइज फॉर्म है स्टूडेंट मैट्रिक्स पॉलीनोमियल का। अब मैं आपके सामने एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं जिसको और ही आप क्लियर से समझ सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर थ्री का, तो एंड एफ एक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव है एक पॉलीनोमियल, तो इसका मैट्रिक्स पॉलीनोमियल ऑन मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर थ्री हो जाएगा मैट्रिक्स मैट्रिक्स पॉलीनोमियल ओवर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री इज इफ ए ए स्क्वायर टू ए और ये फाइव है, ये नंबर है फाइव, तो ये चूंकि ए मैट्रिक्स ऑर्डर थ्री का है तो ये फाइव इंटू आई थ्री करना पड़ेगा। फाइव को यूनिटी मैट्रिक्स ऑर्डर थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा मैट्रिक्स पॉलीनोमियल ओवर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर थ्री। अब इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से ए मैट्रिक्स पॉलीनोमियल का कॉन्सेप्ट हुआ और पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दो चीज मैं आपको बताया। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो इस पर इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इससे संबंधित है। एक मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं जो मैट्रिक्स पॉलीनोमियल से रिलेटेड है। मैट्रिक्स पॉलीनोमियल ओवर सेट ए
it is ordered 2 by 2, where fx x square minus 2x plus 3. इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, आप समझिए. इफ ए मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2, इसके एलिमेंट्स हैं, फाइंड ए मैट्रिक्स पॉलीनोमियल ऑन मैट्रिक्स ए व्हेयर एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. सो सॉल्यूशन स्टूडेंट, सॉल्यूशन फर्स्ट यू राइट x के जगह पर आप लिखिए, पहला काम x के जगह पर आप a लिखिए, a मैट्रिक्स लिखिए, a a स्क्वायर 2a प्लस 3, ये चूंकि कांस्टेंट नंबर है, a स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो 3 × i2 कर देना है, 3 को इमिटिव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 से मल्टीप्लाई कर देना. अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, माइनस 2a का वैल्यू क्या होगा, 3i2 का वैल्यू क्या होगा, इसे हम लोग फाइंड करेंगे. तो पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस 1, 2, 3, 1 माइनस 1, 2, 3, 1 इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे एज इंटीग्रल पावर. सो यू नो मल्टीप्लीकेशन 2 by 2, सो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रूम इक्वल है, सो मल्टीप्लीकेशन इम्पॉसिबल. सो दिस इनटू दिस माइनस 1, 1 एंड 2, 3 या 6 प्लस 6, 1 इन. And now this ये रो और ये कॉलम माइनस 1 × 2 − 2 माइनस 1 × 2 − 2 × 1 = 2. नेक्स्ट ये लीजिए 3 × −1 − 3 एंड 1 × 3 = 3 एंड 3 × 2 = 6 and 1 × 3 3 × 2 = 6 1 × 1 = 1 ये हो जाएगा. इस तरह से मल्टीप्लाई दिस रो दिस कॉलम दैट इज −1 × 1 = 1 2 3 = 6 −1 × 2 − 2 2 × 1 = 2 अब ये रो में इस रो को लेंगे 3 × −1 − 3 1 × 3 = 3 फिर ये रो ये कॉलम 3 × 2 = 6 एंड 1 1 सो दिस इज 7 0 0 7 ए स्क्वायर 7 0 0 7. अब 2a निकाल लीजिए आप, 2 इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पता है आपको, 2a सो a मैट्रिक्स को के ईच एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए −1 × 2 − 2 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 1 = 2 ये हो जाएगा 2a. अब हम निकालेंगे फाइंड करेंगे 3i2 तो 3i2 मींस यूनिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो 1 0 0 1 सो 3 0 0 3 ये हो गया 3i2. तो भी हमने निकाल लिया a स्क्वायर की वैल्यू, हमने पता कर लिया 2a की वैल्यू क्या हो गई, 3i2 का वैल्यू क्या हो गया. अब ये सारे वैल्यू को
इसमें लिखना है। तो एफ ए हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू 7007 माइनस 2a, सो माइनस 2, 4 एंड 6, 2 इसकी वैल्यूज पुट हो गई। अब 3i2 3003 यार, अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए एफ ए, तो 7 + 3 10 एंड +2 12, ये 12 हो गया फर्स्ट एलिमेंट, 0 और 0 0 और -4 ये -4 हो जाएगा, 0 और 0 0 0 + 0 0 एंड -6 के -6 हो गया, 7 और 3 10 10 में से 2 गया 8, ये आपका हो गया एफ ए मैट्रिक्स पॉलीनोमियल फिल्टर। तो ऐसे क्वेश्चन को जो मैट्रिक्स पॉलीनोमियल से संबंधित है उसको ऐसे बनाना है। ये अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो जहां x है x को के जगह पर a लिखना है, x स्क्वायर है तो a स्क्वायर, 2x है तो 2a, 3 है तो 3 यूनिटी मैट्रिक्स आएगी। अब a स्क्वायर को आप निकाल लीजिए मल्टीप्लिकेशन से, 2a का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 3i2 3 यूनिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, चूंकि ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम 3 ऑर्डर 2 का करिए। अब सब वैल्यू को पुट करके आप सिंप्लीफाई करके ये फाइनल आंसर निकाल, ये हो गया, दिस इज एक प्रॉब्लम हो गया आपका मैट्रिक्स पॉलीनोमियल से रिलेटेड। अब स्टूडेंट्स आपको मैं मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज और इन पॉलिटिकल पावर मैट्रिक्स पॉलीनोमियल बताया, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, इस पर हम लोग फोकस देंगे। जैसे मैं एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं स्टूडेंट आपके सामने, एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी, इसका मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, अब इसी से कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है उसको मैं आपके सामने बता रहा हूं कैसे बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाना ही मेन थ्योरी है। आपको एक टेक्निक डेवलप करना होगा कि हम कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट मैं ले रहा हूं क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट, फाइंड प्रोडक्ट in first matrix 3 -1 3 -1 0 2 or 2 -3 1 0 3 1
ये टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले को आप ए मैट्रिक्स मान लीजिए, सेकेंड को आप बी मैट्रिक्स मान लीजिए। सॉल्यूशन पहले को लेट कर लीजिए, दिस थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन जीरो टू, और ये बी मैट्रिक्स इसको मान लीजिए टू वन थ्री माइनस थ्री जीरो वन। अब इसके ऑर्डर देखिए क्या है स्टूडेंट, इसका ऑर्डर है टू रोज थ्री कॉलम, इसका ऑर्डर है थ्री रोज टू कॉलम। तो आप देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसलिए स्टूडेंट ए भी एग्जिस्ट करेगा, ए भी एग्जिस्ट। तो ए भी हम फाइंड करेंगे, अब ए भी एग्जिस्ट, तो ए भी इज इक्वल टू लिखिए थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन जीरो टू एंड बी टू माइनस थ्री वन जीरो थ्री वन, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम से करिए एक एलिमेंट, थ्री टू या सिक्स माइनस वन इंटू वन माइनस वन थ्री थ्री या नाइन, ये वन इलिमेंट को देगा स्टूडेंट, इस पर केयरफुल रहिएगा। ये रो और ये कॉलम एक एलिमेंट्स को देगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट रहेगी। अब ये रो और ये कॉलम लीजिए थ्री थ्री या नाइन माइनस वन इंटू जीरो जीरो थ्री इंटू वन थ्री, ये हो गया, ये सेकेंड एलिमेंट्स को देगा। अब आइए इस रो को लीजिए, ये रो एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस वन इंटू टू माइनस टू जीरो इंटू वन जीरो टू थ्री या सिक्स। अब आ जाइए माइनस वन इंटू वन थ्री जीरो जीरो टू इंटू वन टू, तो माइनस वन इंटू टू टू जीरो इंटू वन जीरो टू इंटू सिक्स, सेकेंड माइनस वन इंटू थ्री थ्री जीरो इंटू जीरो जीरो टू इंटू वन टू। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिक्स सॉरी फाइव फोर्टीन इसका हो गया, ये हो गया माइनस सिक्स, सिक्स में से टू गया फोर थ्री टू फाइव, ये इसका रिजल्ट आंसर। एक मैं आसान क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया कि आपको दिक्कत नहीं हो प्रोडक्ट निकालने में। सेकेंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन सेवेंटीन, हर पैटर्न का मैं आपको बताने के लिए जाऊंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। दूसरा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपको, सेकेंड पैटर्न जो दे रहा है सेवेंटीन क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स इज थ्री माइनस टू फोर माइनस टू एंड आई
1005K so that A square KA -2R. ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स दिया हुआ ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये यूनिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है बच्चों। फाइंड हमें K निकालना है, K एक अननोन क्वांटिटी है, इसे निकालनी है जहां पर कि A स्क्वायर इक्वल टू K A -2I दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन से हमें K निकालना है, तो पहले हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू पहला काम निकालना है, उसके बाद के निकालेंगे, टू आई निकालेंगे और सभी का वैल्यू को पुट करके हम के का वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखिए स्टार्ट मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन A स्क्वायर A इंटू A 3 - 2 - 4 - 2 एंड 3 - 2 - 4 - 2 इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 3 = 9 -2 = -8 एंड 3 - 2 = 6 -2 और -2 = 4 प्लस ये रो एक कॉलम, ये रो एक कॉलम। नाउ ये रो लीजिए, इसको लीजिए 4 × 3 = 12 -2 = -8 ये इलिमेंट कंप्लीट, 4 - 2 = 8 -(+4) ये हो गया। नाउ सिंपलीफाई कर लीजिए आप उसे, ए स्क्वायर 9 - 8 = 1 -6 + 4 - 2 12 - 8 = 4 -8 + 4 -4 ये हो गया आपका ए स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग निकालेंगे के का वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट के ए, तो ए के एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 3 × k = 3k -2k 4k और -2 ये हो गया k। 2i ये चूंकि ऑर्डर 2 का है, 2i2 इसलिए ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, तो यूनिटी मैट्रिक्स सो 2 0 0 ये सारे वैल्यू पहले निकाल लेना है। निकालने के बाद इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अब इसके बाद इस इक्वेशन को लिखिए और उसमें वैल्यू पुट करिए, तो ए स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 - 2 - 4 - 4 ये ए स्क्वायर हो गया। के का वैल्यू इक्वल टू 3k -2k
फोर के माइनस टू के और माइनस टू आई टू जीरो जीरो टू ये लिख रहा है। लिखने के बाद इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। सो वन माइनस टू फोर माइनस फोर, अब इसे सबट्रैक्शन कर लीजिए, थ्री के माइनस टू, थ्री के माइनस टू, माइनस टू के माइनस माइनस टू के, फोर के माइनस जीरो, फोर के माइनस टू के माइनस टू, ये। अब आप स्टूडेंट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जानते हैं, उसका यूज करेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का हम यूज करेंगे, चूंकि ए मैट्रिक्स इक्वल है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि ये वन इसके इक्वल हो जाएगा। सो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स थ्री के माइनस टू वन के इक्वल हो गए, थ्री के माइनस टू वन इक्वल हो गया, थ्री के इक्वल टू थ्री, सो k की वैल्यू थ्री हो गई, k का वैल्यू वन, सो k इक्वल टू वन आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं टू मार्क्स पे, कभी कभी फोर में, इस टाइप से आपको इस पैटर्न से बनाना है। नेक्स्ट पैटर्न स्टूडेंट, नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मैं आपके सामने बनाने जा रहे हैं, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट वैरायटी, नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ये आर्यस अखबार बुक का है। इफ वन एक्स वन वन फोर थ्री टू फाइव टू थ्री सिक्स फाइव वन माइनस टू थ्री ये जीरो फाइव एक्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के पैटर्न पर है, तो हम कैसे एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ये गिवन है, ये गिवन सिचुएशन है, इसके सहारे हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकालेंगे। पहला काम है बच्चों, पहला काम कि इसे इसे आप इस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिए। इसका ऑर्डर है वन रो थ्री कॉलम, इसका ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स थ्री इंटू थ्री, इसका ऑर्डर है थ्री इंटू वन। तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, कॉलम इसका नंबर इक्वल, तो मल्टीप्लाई कीजिए सॉल्यूशन।
मल्टीप्लीकेशन, ये वो एक कॉलम वन इंटू वन वन एक्स इंटू फोर प्लस फोर एक्स वन इंटू थ्री थ्री एक एलिमेंट है, फिर वन इंटू टू टू फाइव एक्स टू इंटू वन टू ये सेकेंड एलिमेंट है, वन इंटू थ्री थ्री सिक्स एक्स एंड प्लस फाइव ये हो गया वन इंटू दिस एलिमेंट वन इंटू दिस एलिमेंट वन इंटू दिस एलिमेंट एक मैट्रिक्स आ गया, ये मैट्रिक्स हो गया। आप देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट, अब ये मैट्रिक्स माइनस वन टू थ्री ये जीरो, ये वन बाय ये वन रो थ्री कॉलम है और ये थ्री रोज वन कॉलम है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब इसे आप मल्टीप्लाई करके निकालिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट, तो थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस दिस एक स्टेप और आगे भैया इट इज फोर एक्स प्लस फोर लिख जाइए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, फाइव एक्स प्लस फोर और सिक्स एक्स प्लस एट और यहां आ जाइए माइनस वन टू थ्री जीरो। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो फोर एक्स प्लस फोर एट माइनस फोर एक्स माइनस फोर माइनस माइनस फोर एक्स माइनस फोर एंड माइनस टेन एक्स माइनस एट इट विल बी माइनस वन टेन इट इज टू, सो टू टेन एक्स प्लस एट एंड प्लस सिक्स एटीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो। सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट आप, तो देखिए एटीन एक्स प्लस टेन एक्स ट्वेंटी एट एक्स, ट्वेंटी एट एक्स में से फोर एक्स चला गया ट्वेंटी फोर एक्स, एटीन एक्स प्लस टेन ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट में से फोर गया ट्वेंटी फोर एक्स, नाउ ट्वेंटी फोर और एट माइनस फोर फोर ट्वेंटी एट, ट्वेंटी फोर और एट माइनस फोर तो फोर ट्वेंटी फोर प्लस फोर ट्वेंटी एट इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो हो गया, सो 24x प्लस 28 ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। सो इसकी इक्वलिटी कर लीजिए आप, दिस 24x 28 जीरो, सो 24x माइनस 28 सो x इज इक्वल टू माइनस 28 बाय 24, सो 2 से 12 2 से That is 114, 2, 6, 2, 7, x की वैल्यू हो गई माइनस 7 बाय 6, ये आंसर है। इस तरह से आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको बनाना है, पहले इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके बाद ये मल्टीप्लाई करके बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग एक्स का वैल्यू माइनस सेवन बाय सिक्स फाइंड कर लिए। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से संबंधित है। और भी मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, क्वेश्चन 18 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी।
क्वेश्चन स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का 18 क्वेश्चन। इफ ए 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 0 and I is the identity matrix I2, so that I plus A is equal to I minus A cos alpha minus sin alpha cos alpha। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी बुक से मैं लिया हूं, एक्सरसाइज 3.2 से स्टूडेंट्स। बहुत बार सीबीएसई में आया हुआ है, एक अगर ऐसा है आई टू मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है तो इलेक्ट्रिसिटी करंट वाली चीज ये प्रूव करना आपको कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगा। तो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। प्रूफ पहले आई ए निकाल लो। आई ए की वैल्यू 1001 और ए हो गया 10 अल्फा को टी मान लेंगे, लेट 10 अल्फा बाय 2 को टी मान लेंगे सुविधा के लिए बच्चों, टी मान लेंगे। तो 0 माइनस टी 0, सो एलएचएस हो जाएगा 1 into 0 इंटू टी दैट इज प्लस, दिस इज प्लस, सो ये प्लस साइन विल बी देयर। सो 1 + 0 1 इज टेन, 0 माइनस टी माइनस टी और 0 प्लस टी टी एंड 1 + 0 1। तो आई प्लस ए एलएचएस 1 0 0 1, ये 0 माइनस टी 0, तो 1 + 0 1 0 माइनस टी माइनस टी 0 प्लस टी 1 + 0 1 ये हो गया एलएचएस पार्ट 1 एलएचएस। अब हम लोग आएंगे आरएचएस की, आरएचएस पार्ट्स को लेंगे। आरएचएस आई, सो आई की वैल्यू हो गया 1001 एंड माइनस ए, ए की वैल्यू हो गई 0 माइनस टी 0, ये क्लोज कर लीजिए। और ये कॉस अल्फा का वैल्यू 10 में कन्वर्ट कर दीजिए फॉर्मूला से, आप जानते हो 11 के फॉर्मूला का यूज करना है, हाफ एंगल फॉर्मूला, कॉस अल्फा 1 - 10² / 2 एंड 1 + 10² / 2 आप जानते हो माइनस अल्फा माइनस 2 10α/2 1 + 10² / 2 and sin 2 10α/2 by 1 + 10² / 2 cos alpha 1 - 10² / 2 1 + 10² / 2। ऐसे हम लोग क्या करोगे बच्चों, sin cos को 10 में कन्वर्ट कर देंगे, साइन को 10 में कन्वर्ट करके ऐसे लिख देंगे। अब इसके सिंप्लीफिकेशन करो आप बच्चों, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन कर लो आप, इसका हो जाएगा
वन माइनस जीरो वन, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस टी टी, जीरो माइनस टी माइनस टी, वन माइनस जीरो वन, ये हो गया इसकी वैल्यू हो गई। अब यहां पर जहां पर टेन स्क्वायर है हम मान चुके हैं, टेन अल्फा बाय टू को टी हमने माना है, तो ये हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी वन प्लस टी स्क्वायर टू टी वन प्लस टी स्क्वायर एंड वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, ये हो। अब देखिए इसमें से वन प्लस टी स्क्वायर सभी के डिनोमिनेटर में है, इसको आप इसको कॉमन ले लीजिए, इसे आप कॉमन ले लीजिए, इसे कॉमन लेकर के आप बनाइए, तो मेरे पास आ गया वन टी माइनस टी वन, और यहां वन पर वन प्लस टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी टू टी वन माइनस टी स्क्वायर, ये कॉमन है। सो वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर वन टी माइनस टी वन, हियर वन माइनस टी स्क्वायर टू टी माइनस टू टी वन माइनस टी स्क्वायर, अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट, डू मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो हमें रिजल्ट देखिए वन प्लस टी स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करिए वन इंटू दिस वन माइनस टी स्क्वायर एंड टी इंटू दिस प्लस टू टी स्क्वायर, वन इंटू दिस वन माइनस टी स्क्वायर एंड टी टू टी स्क्वायर, वन इंटू दिस माइनस टू टी एंड टी इंटू दिस प्लस टी माइनस टी क्यूब सेकेंड इंटरेस्ट, दिस इनटू दिस दिस इलेवन दिस इनटू दिस दिस इलेवन, अब ये माइनस टी एंड प्लस टी स्क्वायर एंड वन टू टी, अब आ जाएगी माइनस टी तो टू टी स्क्वायर दिस इनटू दिस वन इंटू दिस वन माइनस टी स्क्वायर, अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट, वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर ये टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस वन ये टू टी, सो माइनस कॉमन टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी कॉमन माइनस टी कॉमन ले लो आप, सो टी स्क्वायर प्लस वन हेयर टी स्क्वायर टू टी कॉमन हेयर टी स्क्वायर प्लस टी हेयर टी स्क्वायर प्लस वन, अब देखिए टी स्क्वायर प्लस वन सबसे तो फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास वन माइनस टी वन टी और वन, ये आरएचएस हो आरएचएस और ये एलएचएस इक्वल तो पांच मिनट
एचएस इक्वल टू आरएचएस इनटू, ऐसे आपको बनाना है बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये आपको बनाना है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जो होमवर्क के लिए आपको बनाना है, कोई डिफिकल्टी है उसे आप पूछ सकते हो। आपको होमवर्क के लिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक ये आपके पास होगा ही, सभी बच्चों के पास, तो इसका क्वेश्चन 10 बनाना है एनसीईआरटी बुक का, क्वेश्चन 12 बनाना है, ये सभी के पास आपको एनसीईआरटी बुक होगी, पार्ट 1 उसी का है 3.2 एक्सरसाइज का। इसके बाद आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है, क्वेश्चन 15 बनाना है, क्वेश्चन 16 17 18 मैं सॉल्व कर दिया हूं, इसको मिसलेनियस में चले जाइएगा, मिसलेनियस का क्वेश्चन बनाइएगा, मिसलेनियस का क्वेश्चन मिसलेनियस चैप्टर 3 पेज नंबर 100 एनसीईआरटी बुक का है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 ये पीएमआई से रिलेटेड है, इसे बनाना है। कोई अगर डाउट हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आज इतना।